बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्मीना के दस्तरखान में आप सबको खुश आमदी। बहनों भाइयों, आज मैं बना रही हूँ आलू के कटलेट्स विद मायोनीज। तो इसके लिए जो है मेरे पास आधा किलो आलू हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया। ये एक कप मेरे पास ये ब्रेड क्रम्स है, ये ताज़ा ब्रेड क्रम्स है, मैंने ताज़ा ब्रेड के अभी बनाए हैं। ये आधा कप मायोनीज है। इसके अलावा जो मैं मसाले यूज़ कर रही हूँ उसमें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। एक छोटी चम्मच चाट मसाला, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक छोटी चम्मच सफ़ेद मिर्च। मैं इसमें सुर्ख मिर्च यूज़ नहीं कर रही, आपको पसंद है तो आप कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं जो मेरे पास आलू हैं बॉयल, इनको मैं हाथों से इस तरह मैश कर लूँगी। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन इस हाथों से मैश किए हुए जो होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। आलू जो है मैंने उनको मैश कर दिया है, अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ, ब्रेड क्रम्स और ये सारे मसाले। साथ में इसमें मेयोनीज डाल दूंगी। आप किसी भी कंपनी की दे सकते हैं, मेयोनीज तो एक जैसी होती है सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह। मैं कटलेट की शेप दे लेती हूँ, आप अपनी पसंद के मुताबिक शेप दे लें। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह, और ये एक टूथपिक में इसके अंदर ऐसे लगा दूंगी। ये देखिए इसी तरह मैं सारे कटलेट्स रेडी कर लेती हूँ। बहन और भाइयों, ये कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं, ये भी और ये इतने इतने बने हैं। देखिए आधा किलो आलू के, तो मैंने इनको रख दिया था एक आधे घंटे के लिए फ्रिज में, सेट हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। पैन चला दिया मैंने चूल्हे पे, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी इसको अंडा। ब्रेड क्रम्ब और अंडा लगा के सब रेडी करके रख लेती हूँ। ये सारे कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं, सबको मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के मैंने इनको रख दिया। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल गर्म कर लिया मैंने इसको। आप थोड़ा दरमियानी और हाई आंच के दरमियान में इसको करें, स्लो नहीं करनी, क्योंकि ये तो कुक नहीं है पहले ही, हमने इसको अच्छा सा रंग देना है। मैं इसमें ही ऐड करती हूँ, अच्छा सा रंग आ जाए, फिर मैं इनको पलट लेती हूँ। देखिए बहुत खूबसूरत कलर आ गया है, पलट लेती हूँ मैं इनको। इन दूसरी तरफ से भी ऐसे कलर आ गए, फिर मैं इनको उतार लूँगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें। इस तरह आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और वो भी फ्री। माशाल्लाह हमारे कटलेट्स जो है एक रेडी हो गए हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने और काफ़ी खुशबू फैली हुई है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए माशाल्लाह, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। चूल्हा बंद कर देती हूँ मैं। ये देखें जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ज़रूर बनाइए, खाइए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोटैटो कटर स्वीट मेयोनीज रेडी हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, तो बनाएं खाएं, मुझे भी दुआओं में याद रखें। और ये रमज़ान में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं ये। और ये इनके साथ मैंने आज बनाई है अनारदाने की चटनी, बहुत ही मज़े की बनती है ये चटनी, और इसके साथ ये कटर बहुत मज़ा देते हैं। तो फिर मैं इजाज़त देती हूँ अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।